Same as problem 4, means 6.4, except the coil A is made to rotate about a vertical axis. तो पहले इस coil A को 6.4 problem में हम इस B की तरफ V velocity से ले जा रहे थे, अब हम इसको V velocity से नहीं ले जा रहे हैं, B stationary है और हम A को इस axis के about क्या कर रहे हैं, rotate कर रहे हैं. No current flows in B if A is at rest. Clear? तो ये rest में है तो इसमें कोई current नहीं है. The current in coil A हमें पता करना है. When the current in B at t is equal to 0 is counterclockwise and the coil A is shown is as shown at this instant t is equal to 0 is. तो हमको क्या करना है, A के अंदर current की direction बतानी है. तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि इस B के अंदर जो direction of current वो कह रहा है वो counterclockwise कह रहा है. मतलब इसके अंदर करंट ऐसा सेटअप होगा जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा. क्यों? क्योंकि ए के घूमने से इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा और यहां पे डिक्रीज होगा. क्लियर? तो जब डिक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट ऐसा सेटअप होगा जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड डायरेक्शन को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा. इसका मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पे इस लूप बी में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स की या मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड अवे फ्रॉम इट एंड टुवर्ड्स यू. इसका मतलब इसके लूप बी में से, इसके लूप बी के पीछे से फील्ड एंटर कर रहा है और आपकी तरफ आ रहा है. क्लियर? और फील्ड लाइंस क्या बनाती है, क्लोज लूप्स. इसका मतलब फील्ड इधर आ रहा है और फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं और इसके पीछे से फील्ड ऐसे आया. क्लियर? तो इसका मतलब फील्ड किधर एंटर किया, इधर. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर एंटर कर रही हैं. क्लियर? और इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम यू है. इट इज अवे फ्रॉम यू एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप ए इज क्लॉकवाइज. क्लियर? तभी ये सिचुएशन अराइज होगी कि इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ जो करंट है वो क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज, और इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज. तभी फील्ड लाइंस इधर से आएंगी, इसमें से पास होंगी और इसके अंदर जाएंगी. सो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 6.4 में बताया है कि इस लूप बी के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह से है. क्लियर? तो इस लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरह से होगी. क्यों होगी? क्योंकि ये लूप इस लूप को अट्रैक्ट करेगा, इस लूप ए को घूमने नहीं देगा, क्योंकि इसके लूप के घूमने से इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है. क्लियर? तो ये लूप बी लूप ए को घूमने से कब रोकेगा, जब लूप बी इस लूप को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी से हमें पता है करंट कैरिंग कंडक्टर्स में कि अगर दोनों करंट कैरिंग एलिमेंट्स में करंट की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो दे अब अट्रैक्ट ईच अदर. तो अगर इसमें करंट की डायरेक्शन, अगर मैं इन एलिमेंट्स को कंसिडर करूं तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसके अंदर भी ये होगी. क्लियर? तो इसमें भी सेम डायरेक्शन होगी, तभी ये इसको अट्रैक्ट करेगा. क्लियर? सो वी हैव टू वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो सेकंड वन इज द इजीएस्ट वन.